इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आपके जो अपडेट के अंदर दिखाता है कांट वेरीफाई अपडेट्स, इट्स नॉट अलाउड टू अपग्रेड टू अनऑफिशियल रोम पैकेजेस, तो इसका सोल्यूशन क्या रहता है। देखिए, सोल्यूशन तो इसका यही है कि जो फाइल है, सबसे पहली बात तो वो वेरीफाइड नहीं कर रही है। अब मान के चलिए कि लेटेस्ट अपडेट नहीं आपका, आप कुछ रैम रोम या कुछ इस तरीके की फाइल डाल कर अपडेट कर रहे हैं, बट वो भी वेरीफाइड नहीं कर रहा है। अब वेरीफाइड इसको कैसे करा सकते हैं, किस तरीके से करा सकते हैं, ये तो पक्का नहीं बता सकता कोई भी। यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स बता सकता हूँ आपको कि कैसे आप इसको वेरीफाइड करा सकते हैं। वैसे ही अनऑफिशियली है, अनऑफिशियली को करना एक सही तरीका नहीं रहता है, बट फिर भी आप करना चाहें तो फाइल को सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए, और मतलब कि सही होनी चाहिए फाइल, वरना इसी तरीके से आपको इशू दिखा सकती है। के बाद सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर जो है ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में जाइए और यहाँ पर सो सिस्टम्स ऐप्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हाइड हो गई, तो यहाँ पर सो सिस्टम ऐप्स पर क्लिक करिए, उसके बाद अपडेटर सर्च करिए। ठीक है, अपडेटर पर सर्च करने के बाद यहाँ से इसका डेटा क्लियर कर दीजिए और अपडेट इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है और यहाँ पर फिर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से भी इसका भी डेटा क्लियर कर दीजिएगा, उसके बाद सारी फाइल्स को वहाँ से डिलीट कर दीजिएगा और उसके बाद उसको चलाएंगे तो वो वेरीफाई कर लेगा। अपने फ़ोन को जल्दी से बंद करके स्टार्ट करके करिएगा ये सब चीज़। लेकिन मैंने आपसे बताया कि अनऑफिशियली है, अनऑफिशियली में कहीं पर भी क्रैक वगैरह इशू वगैरह आ जाता है फाइल्स के अंदर, ज़रूरी नहीं कि आपके अपडेट हो, तो उस सिचुएशन में आप कंप्यूटर वगैरह से लगाकर प्रॉपरली, क्योंकि बंद होकर ज़्यादा प्रॉपरली इंस्टॉल होती है, तो आप बंद करके करिएगा। तो वैसे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका सोल्यूशन हो जाता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।